नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप SBI की नेट बैंकिंग यूज करते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो शुरुआत से लेकर एंड तक का ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपके अकाउंट में किसी अदर पर्सन का नंबर ऐड हो, आपके फैमिली मेंबर में से किसी अदर फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर ऐड हो, या किसी और समस्या के कारण आप अपने मोबाइल से OTP कंफर्म नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। अगर आपके खाते या नेट बैंकिंग में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो किस तरह हम अपने खाते का नेट बैंकिंग का OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड अपने मोबाइल पर, अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है सिक्योर OTP की, ठीक है ना। तो इस पिक्चर पर ध्यान दीजिएगा। जिस एप्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस एप्स का आइकॉन सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है ना। तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और इस एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, आपके सामने जैसे ही आप इस एप्स को ओपन करोगे, तो आपसे आपका यूजर आईडी, जो भी आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी हो, उसे लॉगिन करने को मांगेगा। तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे 4 डिजिट का आपका जो 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का जो भी आपका एक बार OTP कंफर्म करने के लिए मांगेगा, ठीक है ना। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, सिर्फ एक बार ही मांगेगा। तो आपको एक बार OTP इस एप्स के लिए कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 4 अंकों का एक सिक्योरिटी की आपसे मांगेगा। तो आप क्रिएट कर लीजिएगा इस एप्स के अंदर, वो सिक्योरिटी की सिर्फ इस एप्स में ही काम करेगा। तो आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इस एप्स की खासियत होती है कि ये एप्स एक बार ही लॉगिन होता है, ठीक है ना। और मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा, अगर आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हो तब भी कर सकोगे, लेकिन वैसे ये एक बार ही लॉगिन होता है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप इस पर रजिस्टर्ड कर लोगे, तो आपका आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना। जो भी मैसेज आएगा इसी एप्स एप्स में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही आप इस एप्स को रजिस्टर्ड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वगैरह, लॉगिन वगैरह जो भी होता है कंप्लीट कर लोगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे लिए दो ही ऑप्शंस काम के होंगे। पहला ऑप्शंस काम का होगा गेट ऑनलाइन OTP, ठीक है ना। फिर दूसरा ऑप्शंस होगा गेट ऑफलाइन। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब आपको इस OTP का यूज करना है। इसके बाद अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको इसका यूज करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, जब हम पेमेंट करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा OTP होता है वो हमारे मोबाइल नंबर में आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही आप इस एप्स को रजिस्टर्ड कर लेते हो और ओपन कर लेते हो, तो आपका जो OTP होता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है ना, टिक करने के लिए। फिर उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करते समय ही आपको ये ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे, आपको कुछ समझना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट सामने 2 ऑप्शन आएंगे तो आप टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन होगा गेट ऑनलाइन OTP, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन होगा गेट ऑफलाइन OTP, ठीक है ना। तो जैसे ही आप गेट ऑनलाइन OTP पर क्लिक कर सबमिट करोगे, तो आपको यहाँ पर अपना टच करना होगा, एंड्रॉइड मोबाइल में ऐप्स खोलकर यहाँ पर टच करना होगा, या इस जगह पे टच करना होगा। तो यहीं पर आपका जो OTP होता है 8 अंकों का या 6 अंकों का, वो यहीं पर आपके एंड्रॉइड मोबाइल में शो करने लगेगा। बस आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हो गेट ऑफलाइन OTP, तो इसके लिए हमें जो हमारा इंटरनेट होता है उसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहां पर आपसे एक 6 डिजिट या 8 डिजिट का एक कोड मांगेगा, जो कि आपकी जैसे ही आप सबमिट करोगे गेट ऑफलाइन OTP नेट बैंकिंग में पेमेंट करते समय, तो आप वो कोड आपको दिखने लगेगा, 8 अंकों का होगा या 6 अंकों का होगा, तो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो कोड आपको नया OTP जनरेट होकर आ जाएगा, तो उसी OTP को आपको वहीं पर डाल देना है। वहीं पर आपको बॉक्स दिया रहेगा OTP डालने के लिए, तो आप डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर
आप इस ऐप्स को लॉग इन कर चुके हो और गलती से इस ऐप्स को इंस्टॉल कर दिया है, या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपके इस ऐप्स में ही आपका ओटीपी आए, आप चाहते हो कि आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ही आपके ओटीपी आए, तो आपको कुछ नेट बैंकिंग में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप दोबारा लॉग इन करना चाहते हो तब भी उसी ऑप्शन को आपको कर कर देखना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम अपना SBI लॉग इन करते हैं, ठीक है ना, SBI अकाउंट लॉग इन करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो अपना नेट बैंकिंग ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कंप्यूटर या एंड्रॉइड मोबाइल में अपना नेट बैंकिंग ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर प्रोफाइल में जाइएगा। प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए आपको जाना होगा हाई सिक्योरिटी ऑप्शंस में, ठीक है ना, हाई सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाइएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, ठीक है ना, जो भी आपका SBI नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड हो उसको डाल दीजिएगा। देखिए पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपको देखिए फोर्थ नंबर पर मूड और अनदर, देखिए आपको फोर्थ नंबर पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा SMS और स्टेट बैंक सिक्योर OTP मोबाइल एप्स, ठीक है ना। तो अगर आप अपने ऐप्स का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर सबमिट कर देना होगा, ठीक है ना। तब जो भी आपके OTP होंगे वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड होने लगेंगे, ठीक है ना। और अगर आप दोबारा लॉग इन करना चाहते हो उसी ऐप्स को, तब भी आपको इसी ऑप्शन को क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।